आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी इतने आसान तरीके से कि आप एक दिन बनाकर और कई दिन स्टोर करके खा सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। किसी को भी कड़वा ना लगेगी। छोटे हो या बड़े हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी इस तरीके से बनाएंगे तो ये सब्जी ज़रूर पसंद करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 गांठ पूरा लहसुन छील लिया है और 4-5 मीडियम साइज का प्याज। आम तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आम नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1/2 किलो करेला लिया और उसे अच्छे से धो के सुखा लिया है। छिलका इसका नहीं उतारा है। छिलके में बहुत ही विटामिन रहता है, आप छिलकेदार बनाकर खाएंगे तो आपके सेहत के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए हम फटाफट इसे कट कर लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। करेले की सब्जी बनाने के लिए करेला मैंने कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। इस तरीके से कट करने से सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। प्याज भी मैंने कट कर लिया है, आम को और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, ये लहसुन है और हरी मिर्च 2-3 वो भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो नया नया आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बनाना फटाफट शुरू करते हैं। गैस जला के मैंने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई भी हमारी गर्म है, पानी इसका सूख चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। आप अपने पसंद के ऑयल में बना सकते हैं लेकिन करेले की सब्जी तो तेल में ही सरसों की अच्छी लगती है। सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, हम सबसे पहले इसमें जीरा डाल देंगे और जीरा हमारा अच्छे से चटक जाए। फिर हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, हींग भी इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो जीरा हमारा अच्छे से चटक गया है, अब हम सबसे पहले इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन आप ग्रेट करके भी काट करके भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से डालने से लहसुन का टेस्ट निकल के बाहर आता है तो बहुत ही अच्छा सब्जी खाने में लगता है। थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट हो जाए लहसुन हमारा, फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। तो लहसुन हमारा हल्का सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च काट के रखे थे वो भी डाल देंगे। तेल के साथ थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको। प्याज के साथ अब हमें करेला भी डाल देना है कटा हुआ इस तरीके से। डाल के प्याज के साथ हम अच्छे से करेले को मिक्स कर देंगे। तेल और प्याज करेला सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो करेले को डाल दें और प्याज तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर दें और थोड़े टाइम के लिए सबसे पहले ढक दें और गैस को मीडियम कर दें, हाई ना रखें। फिर हम इसे 5 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारा करेला कैसा है। तो 5 मिनट करेला हमारा ढके हुए हो गया, हम चेक कर लेते हैं। तो करेला हमारा काफ़ी सॉफ्ट लगता है और कम भी हो गया है। इसी तरीके से आप करेला बनाएं और आंच को मीडियम ही रखें, हाई ना करें, नहीं तो करेला बहुत जल्दी जल जाएगा और कुक भी नहीं होगा पूरी तरीके से। तो थोड़ी थोड़ी देर में इसी तरीके से चलाते हुए इसे पका लें जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो चलिए हम फिर से इसे ढक देते हैं। हम ढके हुए 10 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में मैंने 1-2 बार और इसे चलाया है, अभी हम चलाकर दिखाते हैं। तो लगभग आधा हो गया है, 50% बाकी बचा है। तो हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ आम और थोड़ा सा अदरक इसी में डाल देंगे और अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स कर देंगे। तो मैंने आम डाल के करेले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। आम आप ज़रूर डालें, इसकी कड़वाहट जो होती है करेले की वो ख़त्म हो जाती है और सभी को पसंद आता है। बच्चे हो या बूढ़े हो, बहुत ही अच्छे से इसे खाते हैं, पसंद करते हैं। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक आप पहले ना डालें, पहले करेला ज़्यादा रहता है फिर बाद में कम हो जाता है। तो 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार हम डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं अपने घर पर। तो हम इसे भी अच्छे से नमक भी मिक्स कर देंगे। तो मैंने नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला है, पहले करेला ज़्यादा रहता है तो करेला गलने के बाद कम हो जाता है तो नमक ज़्यादा होने का डर रहता है, और जब आधा करेला बढ़िया से पक जाएगा तो नमक आप डालेंगे तो अंदाज आपको
बढ़िया से मिलेगा, नमक भी नहीं ज़्यादा होगा। तो हम चलते हैं, ढक देते हैं और बीच बीच में इसे फिर हम चलाते रहेंगे। तो लगभग आधा घंटा करेला बनाते हुए हो गए हैं। करेले में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बढ़िया से बनकर हमारा करेला तैयार हुआ है। तो अब हम इसे ढकेंगे नहीं, एक चार हमारे करेले की सब्जी हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार है। और अपने घरों में आप कम सामानों में ये सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं। आप इस तरीके से सब्जी अगर आप बनाई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री श्याम।